हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक पॉट बनाना जो कि बहुत ही आसान है। तो आप भी इसको देखिएगा और अपने घर में इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और सच में ये जितना आसान है उतना ही ये सस्ता है, सिर्फ इसकी कीमत है 10 रुपये। तो आप इसे देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं इस प्लांटर को बनाना। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक ये टब जिसके अंदर मैं सीमेंट डालूंगी, क्योंकि ये सीमेंट से बनेगा और जो सीमेंट की कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपए है। तो जो ये प्लांटर है इसकी भी जो कॉस्ट होगी सिर्फ 10 रुपए होगी। और आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि ये कितना खूबसूरत है। तो 10 रुपए में आपको अगर इतना सुंदर प्लांटर देखने को या रखने को मिलेगा तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लांटर को बनाना, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये सीमेंट से बनेगा और जो सीमेंट की कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपए है। तो आपको इतना खूबसूरत पॉट या फिर प्लांटर 10 रुपए में मिले, इससे अच्छी बात कोई और क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लांटर को बनाना। तो सबसे पहले मैं लूंगी सीमेंट, जो ब्लैक वाला सीमेंट आता है, उसमें कोई सैंड वगैरह मिक्स नहीं करनी है, सिंपल जैसा सीमेंट होता है उसी को यूज करना है। तो वो मैं इसके अंदर अभी डालूंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सीमेंट लेना है, क्योंकि आपको अगर बड़ा प्लांटर बनाना है तो आप ज्यादा लेंगे, आपको छोटा बनाना है तो आप कम लेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर सीमेंट डाल दिया है, थोड़ा सा और डालूंगी मैं, इतना काफी होगा, जितना मुझे बनाना है उसके लिए इनफ है। और मैं इसमें करूंगी ऐड पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे इसमें पानी मिक्स करना है। और मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि ये जो सीमेंट है इससे मेरे हाथ ना कटे। तो आप भी अगर ये बनाएंगे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको भी अपने हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, नहीं तो ये सीमेंट जो है आपके हाथों को ड्राई कर सकता है और आपके हाथों को काट सकता है। तो अब मैं इसे अच्छे से सीमेंट को इस पानी में मिक्स कर रही हूं। इसको ऐसे मिक्स करना है कि इसमें जितने भी लम्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। अच्छे से धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से इसको करना है, बिल्कुल धीरे से, ताकि कोई भी लम्स ना रहे और एक बहुत ही अच्छा सा इसका ये जैसे ये पेस्ट है ये तैयार हो जाए। बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, आराम से करते जाइए, क्या जल्दी है। ये देखिए, तो एक ऐसे बनके ये कंसिस्टेंसी जो है इसकी ऐसी हो जाएगी। तो ये जो है पेस्ट बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक साइड में रखूंगी और फिर मैं दिखाऊंगी दूसरी चीज जो कि मुझे इस प्लांटर के लिए यूज करनी है। तो इस प्लांटर के लिए मैंने यूज किया है ये बेडशीट के 2 कपड़े, जिनको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। ये देख रहे होंगे आप, ये 1 और 2, इसी की हेल्प से ये प्लांटर बनेगा। दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो ये दोनों मैंने जो कपड़े हैं ये लिए हैं और वो जो मैंने पेस्ट बनाया है ये जो कपड़ा है उसके अंदर अच्छे से डिप करना है। तो देखिए ये ऐसे अच्छे से जैसे कपड़े धोते हैं बिल्कुल वैसे ही आराम से करते जाइए, क्या दिक्कत है। तो देखिए इसको आराम से इसमें अच्छे से डिप करना है, बस जैसे कपड़े धोते हैं बिल्कुल वैसे ही अलग अलग करके कर लीजिए, धीरे धीरे इसको करते जाइए। इतना कि इस पे अच्छे से जो सीमेंट है बिल्कुल अच्छे से लग जाए। जैसे कपड़े धोते हैं ना बस वैसे बैठिए और शुरू हो जाइए। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बहुत मजा आ रहा है इसको करने में, बिल्कुल बचपन वाले गेम याद आ जाते हैं। जैसे हम छोटे थे तो बचपन में मड से खेला करते थे ना, मिट्टी से खेला करते थे, बिल्कुल वैसे ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिल्कुल मुझे अपना बचपन याद आ रहा है ये करते हुए। ताकि गंदगी ना हो उसके लिए मैंने नीचे प्लास्टिक जो है ये पन्नी डाली हुई है। बस ये अच्छे से ऐसे करना है, ये सीमेंट बहुत ही अच्छे से इसमें लग जाए, कहीं से भी ये खाली ना रहे। और अब जो मुझे तीसरी चीज चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूं।
अब जो मुझे तीसरी चीज चाहिए वो है ये एक पॉट इस टाइप का। मेरे पास ये ऐसा ब्रॉड सा पॉट है, आप चाहें तो इसकी जगह कोई प्लास्टिक वाला जो गमला होता है वो ले सकते हैं, या फिर अगर आपको छोटा पॉट बनाना है तो उसके लिए आप प्लास्टिक की जो बॉटल्स आती हैं बिस्लेरी वाली वो यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस है वो कि आप किस साइज का वो ये जो प्लांटर है वो बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये वाला पॉट लिया है और इसके नीचे मैंने ये कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि जो मुझे अपना ये जो गमला है नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, तो इसीलिए ये नीचे लगा हुआ है। मैंने दो दुपट्टे इस पे बांध दिए हैं और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर दुपट्टे बंद भी गए तो मैं इसके ऊपर प्लास्टिक लगाऊंगी जिससे कि दुपट्टे खराब नहीं होंगे। तो इसको नीचे से ब्रॉड करने के लिए मैंने ऐसे ये लपेट दिया है इस पर। और अब मैं ये एक प्लास्टिक ले रही हूं, ये वाली पॉलिथिन, और ये इसके अंदर डाल दूंगी। बिल्कुल अच्छे से ऐसे इसके अंदर मैंने ये कर दिया है, इसको कवर कर दिया है। और मैं यहां से भी इसको बांध दूंगी ताकि ये जो प्लास्टिक है ये खुले नहीं, बहुत अच्छे से इसको कस के बांधना है। तो ये बन गया है। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगी और वो जो मैंने अभी सीमेंट जिन कपड़ों पर लगाया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। बिल्कुल अच्छे से इसे कवर कर देना है। अभी ये मैंने एक डाला है, अब दूसरे वाले को भी मैं ऐसे इसके ऊपर डाल दूंगी। ऊपर से इसका ये जो है सरफेस ये बिल्कुल फ्लैट कर देना है ऐसे। और अब मैं ये जो पॉट है इसको यहां से बांध दूंगी। जब ये सूख जाएगा और बन जाएगा ये बहुत ही ज्यादा सुंदर बन के दिखाई देगा। तो ये मैं इसको यहां ऐसे बांधने वाली हूं। तो ये पॉट अब बंद गया है, इसको उल्टा कर दूंगी मैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा यहां पर ये लटक रहा है, तो इसको हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। तो देखिए ये प्लांटर कुछ ऐसे बनके रेडी हुआ है। चारों तरफ से मैंने इसके कोने कट कर दिए हैं, जिगजैग वे में है, थोड़ा सा लटका भी हुआ है तो ये अच्छा लगेगा। जब ये सूख जाएगा, इसको सूखने के लिए 24 घंटे चाहिए, तो 24 घंटे के बाद सूखने के बाद ये कैसा बनेगा ये मैं आपको 24 घंटे के बाद दिखाऊंगी। तो अब ये पॉट बनकर तैयार हो गया है, मैं इसको निकालती हूं। तो मैं हल्का हल्का इसमें कलर करूंगी। मैं यहां पे ऑरेंज, यहां पर मैं एक्रिलिक ऑरेंज कलर ले रही हूं, बहुत ही थोड़ा सा लिया है मैंने क्योंकि मुझे बहुत ही हल्का करना है, ज्यादा नहीं करना है, तो वो इस पे लगा दूंगी। तो ये पॉट कलर करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है।
मैंने इस पॉट को कलर करने के लिए जो छोटे वाले पतले ब्रश होते हैं वो वाले लिए था, ताकि इस पे अच्छे से जो हर कोने पे अच्छे से ब्रश से मैं कलर कर सकूं। मोटे वाले ब्रश से कलर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए जो पेंटिंग के लिए हम छोटे वाले ब्रश लेते हैं उसी से मैंने कलर किया, जिससे ये ऐसा कलर हो गया। तो ये बनकर कुछ ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पॉट कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।